हाय गाइस, मैं शांत नो, आप देख रहे हैं कल शांत। और स्टूडियो में आपको सजेस्ट करने वाला हूँ आरओजी फोन का थीम सभी शॉमी डिवाइस के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप आरओजी फोन का थीम सर्च कर रहे हैं तो आप ये थीम ट्राई कर सकते हैं जो कि आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा थीम स्टोर में। तो अगर आप स्काईकन पैक देखिएगा गूगल का फोल्डर में तो सभी कुछ आपको चेंज देखने को मिल जाता है। तो गूगल का फोल्डर में भी आपको आइकन पैक जो है नया टाइप का देखने को मिलेगा आरओजी फोन से इंस्पायर्ड। और आप इसका विजेट भी देख सकते हो, वो भी आपको सेम टू सेम आरओजी फोन से इंस्पायर्ड देखने को मिल जाएगा। टूल का फोल्डर में भी आपको आइकन पैक जो है चेंज होता हुआ देखने को मिल जाता है, काइंड ऑफ सेम आरओजी फोन से इंस्पायर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। वॉलपेपर ऑब्वियसली सेम ही देखने को मिलेगा आरओजी से इंस्पायर्ड। और अगर आप उसका देखिए तो इसमें आपको कंट्रोल सेंटर भी जो है वो भी आपको रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का देखने को मिल जाता है, जो कि काइंड ऑफ काफ़ी इंटरेस्टिंग और जो चेंजेस है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। थीम्स के हिसाब में परफेक्टली ये बनाया गया है, आरओजी फोन से इंस्पायर्ड देखने को मिल जाता पूरा यूआई। और अगर आप देखें तो इसमें सेटिंग्स में भी जो है लुक पूरा आपको आरओजी का देखने को मिल जाता, वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता, जो आप सिस्टम देख सकते हो उसका सेपरेशन जो है और काइंड ऑफ लुक जो है ये आपको आरओजी से टोटली इंस्पायर्ड देखने को मिलता है। काइंड ऑफ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये थीम, क्योंकि इसमें जो सेपरेशन है लुक है मतलब ओवरऑल पूरा आपको आरओजी फोन से इंस्पायर्ड देखने को मिल जाएगा। और आप नहीं पता ये पेड थीम था, कोई इसको मतलब इधर उधर से थीम स्टोर में डाला है, तो आई गेस मेरे को वही लग रहा है। और अगर आप चाहिए इसका ऑल स्पेक्स में तो उसमें भी आपको चेंजेस जो है ये आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आई गेस इंटरेस्टिंग है ये थीम, आपको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ डिफरेंट और काफ़ी यूनिक सा थीम चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको एडिशनल सेटिंग में भी या पूरा सिस्टम में ही आपको जो सेपरेशन है लुक है आपको सेम टू सेम आरओजी फोन जैसा देखने को मिल जाता है। और काइंड ऑफ आप सोच मतलब कि आपको फील देता है कि आप कुछ गेमिंग या कुछ अलग सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं अलग से यूआई के साथ। तो इससे आपको पूरा सिस्टम यूआई चेंज हो जाएगा, डायलर का भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है, आरओजी का लोगो आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली रिपब्लिक ऑफ गेमर्स मतलब काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, मेरे को भी पसंद है आरओजी का, मेरे पास भी बहुत सारा स्टफ्स है तो ऑब्वियसली आई लाइक। और आपको कैसा लगता है ये आप बता के मतलब आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैसेजेस ऐप भी आपका चेंज हो गया तो ऑब्वियसली इसको आप ट्राई करके देखिए कैसा लगा आपको ये जो थीम है। और अगर आप उसका जाइए लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन काइंड ऑफ सिंपल है, इसमें भी आपको एनिमेशन, अगर आपका ये लॉक स्क्रीन एनिमेटेड वाला होता या मतलब अनलॉक करते हुए ये जो लोगो है आरओजी का ओपन होता या क्लोज होता तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता, बट नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका बाकी जो सेटिंग्स या ओवरऑल जो यूआई है थीम का लॉक स्क्रीन छोड़ के काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और होम मतलब की लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हैं सिंपल बस नॉर्मल सा लॉक स्क्रीन है, जो कि आप बोल सकते हैं MIUI 12.5 12 सब में सेम ही देखने को 11 तक में सेम देखने को मिलता है। तो अगर आपको सिंपली ये डाउनलोड करना तो आपको जाना होगा थीम स्टोर में, थीम स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है capitalr.o.g, जैसे आप सर्च कीजिएगा ROG तो आपको ये थीम मिल जाएगा। जाइए डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको ये थीम पसंद आया तो अप्लाई करके इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसा वीडियो चाहिए इंटरेस्टिंग थीम्स का सजेशन और भी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स अपडेट से रिलेटेड वीडियो, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो में लाइक ही रखते हैं 250 रखते हैं आप, आई गेस आप कंप्लीट कर सकते हो, तो जाइए कंप्लीट करके दिखाइए। और अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूं कल इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।